मकान की जलाधारी में से पानी नीचे बह रहा है, समझ लेना जरा अच्छे से। हो जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब, उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है, अपनी हाथ की सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है, और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है हृदय से कहकर। दो दिन, ज्यादा से ज्यादा तीन दिन, ज्यादा से ज्यादा पांच दिन, बस छठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल करेगा।